जो पुराने सदस्य हैं पिछली टर्म में यहाँ थे उनको सबको पता होगा कि पिछली टर्म के पहले ही सत्र में हमने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि ये सदन की सत्र की संख्या बढ़नी चाहिए, समय बढ़ना चाहिए, सभी विधायकों को तैयारी करके आना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी, अन्यथा ये लगता है कि हम जैसे एक निभा रहे हैं अपना एक सारे दस्तूर निभा रहे हैं कि साल में दो बार सत्र बुलाया जाए, साल में दो बार विधानसभा बुलाई जाए और फिर एक दिन दो दिन तीन करके, क्योंकि मैंने पिछले 6-8-10 साल की सारे सत्र कितने कितने मीटिंग्स हुई सारा मैंने उसका अध्ययन किया और पिछली बार बताया भी था और हम उसमें से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस बार 83 बैठकों में आ गए थे पिछले 5 साल में और हमने ये भी कहा कि पिछला जो सत्र था कि हम इस 5 साल में 100 बैठकों तक लेकर के जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी भर्ती तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूँ। मैं ये भी प्रस्ताव करता हूँ कि हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी भर्ती तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। देखिए, हमने बहुत से सुधारों की ओर पिछले 5 वर्ष में भी काम किया और अगला ये वर्ष हमारा खास करके 2020 ये सुशासन संकल्प वर्ष के नाते से हमने इसको तय किया है। भर्तियों के समय जो हमें को ध्यान में आया और वो पिछली सरकारों को भी ध्यान में आता है कि भर्तियों की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती रही है कि हम चाहते हुए भी, ऐसा नहीं कि सरकारें चाहती नहीं हैं लेकिन उसमें तरह तरह की कठिनाइयाँ जो आती थी, भर्ती प्रक्रिया लंबी पूरी हो नहीं पाती थी। पिछली बार ग्रुप डी की भर्तियाँ 18,218 भर्तियाँ हमने एक साथ की हरियाणा में और उसका एक प्रोसेस बनाया और उस प्रोसेस में बनाने के बाद उन भर्तियों को जिन जिन विभागों की रिक्वेशन थी उन विभागों को भेजा, उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो बने। बाद में उसमें कई तरह की कठिनाइयाँ आई, कुछ लोगों ने समय से ज्वाइन कराया, कुछ ने लेट ज्वाइन कराया और ज्वाइनिंग के समय सब लोगों ने अपनी अपनी जो इच्छानुसार उनकी इच्छाएँ ऑप्शन पूछी गई वो अपने अपने विभागों में चले गए लेकिन जितनी वैकेंसी जहाँ थी उसके बाद जो बच गए उनको फिर जहाँ खाली जगह थी वहाँ भेजा गया। शिकायतें बहुत आई, हमने उसमें से ऑप्शन दी कि जो जो अपने विभाग डिपार्टमेंट बदलना चाहते हैं, अपनी पोस्ट बदलना चाहते हैं वो अप्लाई करें। लगभग 3,500 लोगों ने अप्लाई किया, 700 के आसपास लोग ऐसे थे जिनको हमने बाद में एडजस्ट भी किया। तो इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये आया कि ग्रुप डी का एक ही काडर बना दिया जाए सारी स्टेट में, तो एक काडर बनाने के लिए ताकि उनकी जो एक समय भर्ती हो गए हैं तो उनकी जो सीनियोरिटी है या उनकी और कठिनाइयाँ हैं या वो विभाग बदलते हैं तो बाद में भी आने वाली कठिनाइयाँ उनको दूर करने के लिए इस समय कुछ संशोधन लाए हैं ताकि आने वाले ग्रुप डी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये कठिनाइयाँ दूर हो जाए, वो आसानी से विभाग बदलना विभाग बदल सकें, इस प्रकार के संशोधन इसमें लाए गए।